हेलो फ्रेंड्स, आपका पता है मैं कौन हूँ? एक कॉमन सा किचन सेट, पर मुझे अनबॉक्स करने के लिए कोई नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हें अनबॉक्स करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स, इट्स मी प्रियांशा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियांशी। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये कॉमन सा किचन सेट है, इसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। और कॉमन सा है एंड ये आपको कोई भी दुकान में इजीली मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन है। मैं सोची कि कॉमन है पर फिर भी आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियोस तो पसंद है ना, तो इसलिए मैं आज इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ। सो और हर वीडियो की तरह नाम मैं वीडियो के लास्ट में लूँगी, तो इसीलिए आप क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके? आपके लिए एक छोटा सा गाना है, ये मैं हूँ और ये मेरी प्रियांशी दीदी है और ये मेरी अनबॉक्सिंग हो रही है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स गो। इसके लिए आपको कोई से भी कैंची की ज़रूरत नहीं, बस क्या करना है आप लोगों को पता है, यहाँ स्टेपल क्या होता है, आई थिंक ना नहीं, ऐसे ही स्टेपल रहता है इस पर, साइड में भी हर एक जगह उस स्टेपल को नॉर्मल भी खोल सकते हो, क्योंकि स्टेपल्स बहुत ज़्यादा पॉइंटी होते हैं तो हमारा हाथ कट भी सकता है, तो इसलिए निकल आया। आई, ये आपको बहुत ही इजीली कोई भी स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। सो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट है ये छोटा सा बास्केट, ये यूजली बहुत ही परफेक्ट है मेरे बेला और मैक्स के लिए, मेरे डॉल्स के लिए, और वो लोग जब शॉपिंग जाएंगे ऐसे पकड़ के जाएंगे, चलो शॉपिंग चलते हैं, ओके? सो ये हमारा फर्स्ट है जो हमें मिला। तो सेकंड को निकालते हैं, सेकंड है ये टीपॉट। मतलब इसका ढक्कन हम लिड नहीं खोल सकते, नॉर्मल है, यू कैन जस्ट प्रटेंड, मतलब प्रटेंड कर सकते हो कि जैसे चाय डाल रहे हो, कॉफ़ी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, कुछ भी। तो ये सेकेंड इसके पास रख देते, लाइन पूरा बनाएंगे, ओके? सो अभी नेक्स्ट का ये है, ये एक नॉर्मल सा कप है, नॉर्मल नहीं मतलब लंबा चौड़ा कप है, तो मैं ये प्रटेंड करूँगी कि ये ग्लास कप है। अरे इसमें स्टिकर नहीं है, वो अच्छा है। और इसमें भी स्टिकर है और सब में लेबल भी किया गया है कि ये क्या है, ओके? सो चलो इनको भी रख देते हैं यहाँ, ऐसे पूरा लाइन बनाएंगे, सुंदर सा लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट है ये पैन। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम पैन को देखते हैं तो उसका यहाँ ऐसे टेप लग कर आता है, जब आपका होता है तो आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, पूरा घींच देते हैं और इसका लेबल भी चला जाता है इसका, तो इसीलिए हम इससे ऐसे बचने के लिए हमारा किचन सेट का स्टिकर ना ख़राब हो, मैं ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा ही होता है, मैं खींच दूँगी पूरा यहाँ वाइट वाइट हो जाएगा, पेपर दिखने लगेगा, तो इसीलिए। तो इसको हमें करना क्या है कि जब हम निकाल रहे होंगे इसको ना, कितना तक निकालेंगे, ओनली इतना तक, या फिर मैक्स टू मैक्स इतना तक, यहाँ पूरा खींचेंगे नहीं, ठीक है? तो मैं चलो करती हूँ ये, आई आगे। देखो कैसे करते हैं, ऐसे करके पूरा खींच लेते ना, वैसा नहीं करना, यहाँ से इसको हम निकाल देंगे खींच के, ये खींच के निकालने से, कट करने से। वो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये पूरा निकल आया, और यहाँ वाइट निशान भी नहीं हुआ, ये देखो निकल आया पूरा, वाइट निशान भी नहीं हुआ, वाओ। चलो कोई बात ही नहीं, ऐसा तो होता है ना, छोटा सा जितना भी ट्रिक बताओ काम तो करता नहीं है, क्या करूँ, कभी कभार कुछ कुछ ट्रिक्स काम भी करते हैं इसके। मैंने एक और देखा था कि वो क्या कर रहे थे पता है, इतना तक कर ले रहे थे, फिर कौन सा एक, हाँ कैंची से पहले काट लेते थे, उसके बाद कौन सा एक ऐसा पॉइंटी चीज़ होता था उससे उसको पुश कर लेते थे तो निकलता नहीं, और ये भी एक और ट्रिक थी, पर थोड़ा सा निकल आया, नो प्रॉब्लम। ये हमारा पैन है और ये उसका ढक्कन है। मेरा क्या होता है फ्रेंड्स पता है, मेरा ये दोनों सेम कलर के हैं ना, तो इनका ढक्कन मिक्स हो जाता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। और जिन जिन के में लेबल लगा है उसकी कोई चिंता नहीं है, पर प्लेट्स की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेट्स का निकाल दो, उसमें कोई स्टिकर ही नहीं लगा। नेक्स्ट है हमारा ये पैन जैसा, इसको के अंदर हम लोग चावल डालते हैं, ओके? सो इसका भी मैंने निकाल दिया टेप,
तो चलो इसको भी रख लेते हैं हमारे लाइन पे। नेक्स्ट है प्लेट, और इसमें मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लेट्स मिले, और नॉर्मली मेरे पास दो ही प्लेट थे, दोनों पिंक कलर के थे, पर अभी मेरे पास दो दो साइड के प्लेट है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे किचन सेट हमेशा खरीदने का मन होता है कि मुझे खाली प्लेट मिलता रहे और मिलता रहे। मैं सारे टेप को इसके यहाँ ही रख दे। ये है प्लेट, ओ एक टेप लग रहा है यहाँ, तो ये है हमारा प्लेट ब्लू कलर का, मैच मैच, तो इसको भी हम यहाँ रख देंगे, ऊपर ऊपर करके रख देंगे, इसको खींच देने से भी जोर ऐसे निकल रहा है, पूरा पूरा जैसे गन होता है नहीं, गिर गया, नहीं गिर पाया ये। तो ये हमारे येलो का है, तो मुझे तो इसमें मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे दो दो प्लेट मिले, क्योंकि हर एक में नॉर्मली एक ही मिलता है, और मेरे पास एक ही तो मतलब एक ही सेट था वो पिंक कलर का, तो अभी मेरा पिंक कलर भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये है गैस, जो मैं बचपन में हमेशा ऐसे करके पूरा तोड़ देती थी बीच से, और मैं बोलती हूँ मतलब 1-2 क्लास में शायद थी, मैं तोड़ देती थी। ये हमारा गैस है, ये भी स्पेशली डॉल का ही खत्म हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि बेला और मैक्स का गैस ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। बेला और मैक्स जब नया गैस लाएंगे ना, ये काम आएगा उनका, तो इसको रख देते हैं फिर यहाँ हमारे लाइन में। क्योंकि 4 प्लेट्स आए तो 4 कप्स भी आए, अच्छा है ना, क्योंकि 4 प्लेट आए तो 4 कप्स भी आने चाहिए, वो मेरे 3 लाइन हो गए पूरा। एंड आई एम ग्लैड कि इसके अंदर कटलरी भी है, चाकू, अरे गैस की क्या। तो क्या आया हमारा कटलरी मुझे खाने का मन कर रहा है, मतलब कटलरी को नहीं, इसके इस प्लेट में डालकर अरे ये टेप। तो लास्ट जो कैसे हम बच्चे क्या करते हैं ना, इसको अंदर से पूरा घींच घींच के निकालते हैं, इसके वजह से इसका कभी कभी स्टिकर भी निकल आता है ना। मैं आपको एक रात की बात बताऊं, यहाँ से टेप खोल के निकालना है, हाँ साइड से निकाल देना है, यहाँ साइड से यहाँ जो टेप लगा होता है ना उसको हमें घींच के पूरा निकाल देना है। ओके सो ये हमारा गैस है, सेम टू सेम मेरे पास भी है ब्लू कलर है, अच्छे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये अरे क्यों रहा है, ये बहुत ही कॉमन वाला है, उठता रहता है, कोई से भी साइड से उठेगा ये, चलो इसको रख देते हैं, मुझे बहुत पसंद आया, फिर से रिव्यू करते हैं कप गैस। और ये हमारा टी पॉट, बास्केट, पैन चावल डाल रखने वाला, प्लेट्स, कटलरी, कप्स एंड गैस, तो हमें इतने सारे चीज़ें मिले हैं। तो ये ऐसा मेरे पास नॉर्मली है, और पर उसका चीज़ें जो है हमेशा गुम होती रहती, तो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा है ना ये बैग, इसके अंदर मैं सबको भर दूँगी, और यहाँ रबर बैंड से मैं सिक्योर कर दूँगी, जब भी मुझे निकालना होगा इसके अंदर से निकाल दूँगी, एंड देन इसके अंदर वापस उसका जो रबर बैंड है वो लगा ओके। सो आप लोगों के पास भी अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स करना ओके। तो चलो अभी नाम लेते हैं, हाँ चलो नाम लेते हैं ओके। तो चलो मैं नाम लेती हूँ, खुशी, सोनकर, विनय, गार्गी, उर्वी, स्वीटी, श्रुति, अनवी, मरियम, लोहित्या, आर्शिया, मनीका, जानवी, स्वाति, रितिका, निवेदिता, नेहा, आशा, उमा, नाया, अनुष्का, इज़मा, इज़मा मुस्तफ़ा, रोहन, अक्षय, ओझा, दिविना, सिया, रणबीर सिंह, दिवीक्षा, संभावी झा एंड रनाया। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैं आप वीडियोस में आप लोगों का नेम लूँ, एंड प्लस
आप लोग मतलब आप लोग और हाँ आप लोग सैड मत होना, अगर किसी का भी मैंने नाम नहीं लिया तो आपको ये याद रखना है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो दैट्स फॉर ऑल ऑफ टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, हाँ भूले नहीं हो ना, मैं नहीं बताऊँगी इस बार क्या करना है, वो आपको खुद याद करके करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।